मैं सौरभ भारद्वाज आज की अपनी स्पेशल स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा जनता के उस चौकीदार की कहानी जो दिसंबर की सर्द रातों में सोता नहीं है, जागता है। अंधेरी सुनसान सड़कों पर, पार्कों में घूमता है ताकि उनके इलाके की जनता चैन से सो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के NIT फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा की। अभी नीरज शर्मा को विधायक के रूप में शपथ लिए हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, लेकिन नीरज अपनी जिम्मेदारी के प्रति मुस्तैद हैं। लगभग आधी रात को शहर का तापमान 15 डिग्री के आसपास होगा। लोअर और हाफ स्लीव्स टी शर्ट में नीरज सोए होंगे। सूचना मिली कि संजय कॉलोनी के बूस्टर पर ऑपरेटर नहीं है, तो भाई मेरे इलाके की जनता को पानी कैसे मिलेगा? इसी चिंता ने नीरज को बिस्तर से उठाया और लोअर टी शर्ट में ही ठिठुरते हुए जा पहुंचे मौके पर। और फिर जो वहां का हाल था वो लाइव सारी दुनिया ने देखा। इस लाइव ने लोगों को दिखाया कि कैसे नीरज शर्मा अफसरों और नेताओं को भिगोकर जूता मारते हैं, कैसे सरकारी संपत्ति के प्रति वह सचेत हैं, कैसे वह संगठित सरकारी लूट को रोकना चाहते हैं। बचपन में न्यायप्रिय प्रजापालक राजा की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। सुना होगा कि वह राजा रात को भेष बदलकर अपने राज्य की जनता का दुख दर्द समझने की कोशिश करता था। अब न राजशाही है और न राजे रजवाड़ों का दौर, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस हैं। जनता के इस दर्द को जो समझेगा, अब वही जनता के वोटों पर राज करेगा। दरअसल सियासत बदल रही है। वो दौर खत्म हो गया जब विधायक नेता मंत्री दरबार लगाते थे, जनता घंटों बैठकर अपना दर्द सुनाने के लिए बाट जो होती थी। 4.5 साल घर सो जाने वाले नेता आखिरी 6 महीनों में सक्रिय होते थे, जनता को अपने होने का एहसास करवाते थे। इसी पॉलिटिकल स्टाइल के कारण प्रदेश की जनता ने खट्टर सरकार Part 1 में 8 मंत्रियों को धूल चटा दी थी, लेकिन अनिल विज की कुर्सी नहीं डोली। पब्लिक ने रिकॉर्ड 6ठी बार उन्हें विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। संदेश साफ है कि अब जनता उन्हीं नेताओं को पसंद करेगी जो उनकी सुनेगा और उनके लिए करेगा। इसीलिए कम से कम फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र के लिए तो हम कह ही सकते हैं कि आप चैन से सो सकते हैं, क्योंकि नीरज शर्मा आपके लिए जाग रहे हैं। भाई रुक जाओ। नीरज शर्मा आपका भाई बेटा विधायक, आज पिछले 3-4 दिनों से संजय कॉलोनी में पानी की शिकायत आ रही थी, तो मैं संजय कॉलोनी में शहीद मृत्युंजय पार्क के पास जो हमारा जलघर बना हुआ है यहाँ आया हूँ। और यहाँ आकर ये कमरा है, समय रात्रि 1:40 है और यहाँ पर हमारी मोटरें और सामान है। अब पता नहीं किसकी ड्यूटी है किसकी नहीं है। यहाँ पर ये दो तखत मिले हैं, प्लास्टिक की बनी मिली है और थोड़ा सा पास करना ये एक देसी शराब का पौआ भी मिला है। ये मस्ताना शराब है देसी की, पन्नी नीचे भी है और यहाँ चार्जिंग पर किसी भाई का मोबाइल भी मिला है। ड्यूटी पे यहाँ इस समय कोई भी नहीं है, सब नदारद है, कमरा खुला पड़ा है, कोई भी आए कोई भी जाए। सामने वो एक कमरा है, यहाँ पर से हमने जगाया तो कहाँ गए सुबोध जी? अरे भैया थोड़ा सा रोशनी। सुबोध जी 1 मिनट आएंगे। हाँ जी आ रहा है। ये पौआ आपका है? नहीं। किसका है? आप इधर आइए सामने आइए। किसका है ये पौआ और थैली? आपका नहीं। आप सुबोध जी कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ पे तो हम रह रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन ड्यूटी मेरा है 3 महीने से। 3 महीने रहे, कितने दिन से रहे हैं आप यहाँ? 2 साल। 2 साल से। 2 साल से किस वजह से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ काम कर, नगर निगम में काम कर रहे थे ना? नगर निगम के एम्प्लॉय हैं आप? ये टायर वगैरह गली में नाली मजदूर हैं आप जी? नगर निगम में है या किसी प्राइवेट आदमी के हैं? पहले तो नगर निगम में थे, अभी प्राइवेट में। प्राइवेट में कब से हैं? अभी 3 महीना हुआ।
3 महीने। आपके साथ कौन कौन रह रहा है उस घर के अंदर? मेरा वाइफ है, मेरी लड़की है। आपकी वाइफ और आपकी लड़की है, हम वहाँ तक तो नहीं जाएंगे, बहन बेटी बैठी हैं। उस घर में लाइट भी है? लाइट है। लाइट है, उस लाइट का बिजली का बिल आप भरते हैं? जी। कौन भरता है? नगर निगम। क्यों भरती है नगर निगम? क्या नगर निगम ने आपको क्वार्टर अलॉट कर रखा है कि आप यहाँ रहेंगे? नहीं करते। आप भैया? लाइट वाले। आप लाइट वाले। यहाँ ड्यूटी किसकी है आज? किसकी ड्यूटी है भाई? छुट्टी लेके गए? कहाँ है रजिस्टर दिखाएंगे आपका? लॉग बुक रजिस्टर कहाँ है जो आप मोटर चलाते हैं? मोटर चलाने बंद करने की आपकी जिम्मेदारी है जी, और टाइल लगाने की भी आपकी जिम्मेदारी है? अभी तो नगर निगम में टाइल हम लगाते हैं। अच्छा, तो रजिस्टर कहाँ पर है जिसमें मोटर की डिटेल आप लिखते हैं? और इलियास जी अपनी छुट्टी लेके गए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर है कोई यहाँ? इलियास जी नहीं, इलियास जी तो ड्यूटी में आ रहे हैं। कहाँ हैं? कितने बजे से ड्यूटी है उनकी? दिन की ड्यूटी है उनको। रात की ड्यूटी किसकी है? 12 से 8। 12 से 8 तो किसकी ड्यूटी है? जिनका लड़की है शादी है वो ड्यूटी में गए। अटेंडेंस रजिस्टर है यहाँ कोई? वो उनको पता होंगे। किसको? छुट्टी लेके जो गए। अच्छा, आप लाइट वाले भाई हैं, आप भी यहीं रहते हैं अपने परिवार के साथ? लेबर है। तो आपको जगह नगर निगम ने अलॉट कर रखी है? हैं जी? नहीं, आपने भी कितने कमरे ले रखे हैं यहाँ? हैं नहीं, आपका अपना है या सरकारी जगह में? नहीं, वो तो प्राइवेट सरकारी है, वो तो सरकारी जगह में है। आपका भी मकान देखेंगे, आइए थोड़ा सा साथ में आइए। आपका क्या शुभ नाम है दोस्त? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जयवीर है। अच्छा, आपका जयवीर। आप कितने दिन से रह रहे हैं जयवीर भाई? हो गया 4-5 साल हो गया। 1 साल दोस्तों, सब चिल्लाते हैं नगर निगम में पैसा नहीं है, काम करने के लिए नहीं है, पर बड़ी बदकिस्मती है चेकिंग कोई करता नहीं है। ये लोग सिर्फ रात को नहीं आके रुके हैं, दिन में भी रुके हैं। और यहाँ देखिए, एक टैंकर ये खड़ा है, 1, 2, 3, 4 ये खड़े हैं यहाँ। मैं नहीं पता मुझे सरकारी है या प्राइवेट है, सुबह इसकी भी चेकिंग करेंगे। और मैं चाहूँगा आप पीए साहब थोड़ा इन सबकी वीडियो बनाइए। ये 2 गाड़ियाँ किसकी खड़ी हैं यहाँ पर भाई? ये तो मेरी एक इनोवा है, एक गाड़ी ये है, किसकी है ये आपको पता नहीं है? आप यहाँ रह रहे हैं? जी, मैं तो अभी परमानेंट काम थोड़ी कर रहे हैं, जंगल में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग वाले ठेकेदार से यहाँ मतलब नहीं रखते। अगर भाई जरा इसको कमरे को खटखटाना, एक कमरा जरा वहाँ दिखाइए, वो बना हुआ है, वहाँ एक फैमिली रह रही है। हाँ, उसका सारा बिजली पानी का खर्चा हमारी नगर निगम दे रही है। लाइट जल रही है। एक कमरा ये है यहाँ पर, लाइट भी जल रही है इस कमरे के अंदर, और ताला भी है यहाँ पर। उसके अलावा आप अंकल जी कौन कौन है इस कमरे में बुलाएंगे जरा? एक मिनट बात, एक कमरा ये है, इस कमरे के अंदर इधर आप आइएगा जरा, लाइट है, पंखा है, चारपाई है, बिस्तर है, अंकल जी आना एक मिनट। क्या शुभ नाम है अंकल आपका? राम। और आपका अंकल? अतर सिंह। अतर सिंह जी, कितने दिन से रह रहे हैं अंकल आप यहाँ? 2 महीने। क्या नाम है तुम्हारे? 2 महीने हो गए आपको। और यहाँ का बिजली का बिल आप भर रहे हैं? तो फिर बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप नगर निगम के मुलाजिम हैं? बिजली नहीं, आप नगर निगम के मुलाजिम हैं क्या आप दोनों में से कोई? ना ना, हम तो बताते हैं ठेकेदार के। कौन से ठेकेदार के ट्रैक्टर में हैं आप? है जी, पंडित जी मोगल। अच्छा, और
और यहाँ रहने के लिए आपको किसने ऑथराइज किया है? JSDO किसी ने बोला आपको रहने के लिए? ये तो उन्हें पता जी, पार्षद साहब ने करवा रखे टाइप यहाँ खड़े। अच्छा, और आपका कौन है ठेकेदार भाई? नैनपाल सिंह। नैनपाल सिंह। आपका भैया? नैनपाल सिंह। नैनपाल सिंह। सुबोध जी कहाँ चले गए? आज ही आ रहे हैं। और यहाँ ट्यूबवेल पे किसकी ड्यूटी है आपको नहीं पता? ट्यूबवेल पे ठेकेदार के आदमी की ड्यूटी है। किसकी? नहीं, नहीं, ये तो मना कर रहा है, मेरी ड्यूटी नहीं है ना, इसके पास अटेंडेंस रजिस्टर है ना लॉग बुक है। ड्यूटी हम ठेकेदार की तरफ से है, ये तो हम कह रहे हैं सर। नहीं, ठेकेदार को क्या ठेका दे रखा है मोटर चलाने का? जी दे रखा है मोटर चलाने। तो आपको कोई लॉग बुक दी होगी, कोई किताब दी होगी? नहीं। आपकी ड्यूटी आपके घर में है या वहाँ पर है अंदर? बूस्टिंग में है। तो आपको घर होना चाहिए था या ड्यूटी पे होना चाहिए था? आप हमें कहाँ मिले हैं? घर पे मिले हैं ना, अपने बीवी बच्चों के साथ में। आप इसका मतलब ड्यूटी पे नहीं थे या थे? ड्यूटी पे अब घर में है तो क्या? नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, किसी ने मुझको पकड़ा नहीं, किसी ने रोका नहीं। कोई चौकीदार भी है इस पार्क में अपॉइंट किया हुआ? आपकी ड्यूटी उस कमरे में नहीं होनी चाहिए थी। गेट को ताला ना लगा रहे थे? नहीं, वो गेट का ताला भी खुला हुआ था और वहाँ शराब का एक पौआ भी मिला है मस्ताना का, प्लास्टिक की थैली भी मिली है। और आप यहाँ अपने बीवी बच्चे पार्क में रख रहे हैं, किसकी इजाजत से रख रहे हैं? क्या आपको नगर निगम ने कोई अलॉट करके दिया है? आपने ड्रिंक तो नहीं कर रखी पक्का? अगर जो कर रखी है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं अभी चेकिंग के लिए लेके जाता हूँ बीके हॉस्पिटल। वो पुआ आपका ही है? आपका नहीं। दोस्त आपका कमरा कहाँ है थोड़ा दिखाएंगे? आइए आइए, हाँ खाइए। एक गाड़ी वहाँ वो खड़ी है। अंकल जी, आप ठेकेदार के कहने से रह रहे हैं या पार्षद के कहने से रह रहे हैं? ठेकेदार। पार्षद कौन है आपके? खटाना साहब। खटाना साहब ने खुद कहा था आपको? हाँ। कौन से ने, क्या नाम था जिन्होंने कहा था आपको यहाँ रहिए आप? धर्मवीर खटाना है ना ये। धर्मवीर जी तो नहीं है यहाँ के पार्षद? धर्मवीर जी तो नहीं है यहाँ के पार्षद? धर्मवीर खटाना। धर्मवीर खटाना जी तो यहाँ के पार्षद नहीं है। और अतर सिंह अंकल जी को किसने बोला था रहने के लिए? ये ठेकेदार नहीं है। और कितने ट्रैक्टर हैं आप लोगों के यहाँ? यहाँ छः टन पर। छः? ये सब प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट। और सारे ये सारे चालू हालात में हैं या कंडा में चलते हैं कभी? हाँ चल रहे हैं, टैंकर वहाँ शादी में खड़े हैं ना, जाऊँगे। शादी में खड़े हैं। वो जो लाइट वाले भैया थे कहाँ चले गए? उनके कमरे भी देखने थे बुला बुला के। और आओ आगे बाथरूम का देखो दोस्तों, यहाँ सारा पानी कीचड़ हुआ पड़ा है। और मैं चाहूँगा इनकी भी तस्वीर ली जाए। स्वच्छता अभियान के लिए बहुत योगदान है हमारे देश का। पूरी संजय कॉलोनी यहाँ से पानी पी रही है। मैं कुछ नहीं कह सकता इनको, अंकल यहाँ रह रहे हैं पर इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि इनको यहाँ स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। अंकल आपका क्या नाम है? अतर सिंह। अतर सिंह जी, आप भी वहीं रहते हैं ना उसी कमरे में? कितने दिन से रह रहे हैं अंकल आप? बता दी, 2 महीना होंगे। 2 महीना होंगे। अच्छा, किसके कहने से रह रहे हैं आप अंकल? और आप करते क्या हैं यहाँ पर? ड्राइवरी कर रहे हैं। ड्राइवरी आप प्राइवेट टैंकर पे कर रहे हैं या सरकारी ट्रैक्टर पे कर रहे हैं? सरकार के युवा में चल रहे हैं जी, नगर निगम के युवा में। नहीं सर, टैंकर ट्रैक्टर ये सरकारी है या प्राइवेट है? कौन ट्रैक्टर ले रखा है? सरकारी उसमें। और उसमें ये भी आपको कह रखा है आप यहीं रुकेंगे सरकारी जमीन में? ये तो हम तो ना कह रहा है। तो फिर आप क्यों रुके हुए हैं सरकारी जमीन में? आप सरकारी बिजली यूज कर रहे हैं, पंखा चलाया है आपने, 24 घंटे लाइट यूज कर रहे हैं, उसका पैसा कौन देगा? 24 घंटा तो कोई ना चला, मच्छर कुमार पंखा चला दियो, उसका पैसा कौन देगा? आपने भरा है बिल आज तक, उसका पैसा कौन देगा? सरकार देगी।
आप जिसके यहाँ भी ड्राइवरी कर रहे हैं, नगर निगम में तो नहीं कर रहे हैं ना, आप किसी ठेकेदार के यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं, आप अपने घर रुकिए, आपको यहाँ रुकने का कोई हक ही नहीं है। अपने घर से आए, अपने घर से जाएं, आप सरकार की बिजली क्यों फूंक रहे हैं? सरकार की बिजली मतलब हमारी बिजली है, वो हमारा पैसा है। और आप कह रहे हैं दो महीने से, पर आपके कमरे के हालात नहीं लगते कि आप दो महीने से रुक रहे होंगे। थोड़ा सा भाई टॉर्च भी जला देना और आगे आगे आना। और कितनी हैरानी की बात है, तो आगे चले जाओ। ये इतनी बड़ी टंकी बनी पड़ी है हमारी संजय कॉलोनी के सामने, बूस्टर है, किसी का कोई ख्याल नहीं है। अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसकी यहाँ ड्यूटी हो, जो अपनी ड्यूटी पे काम कर रहा हो, जिससे हम अपने क्वार्टर आगे ले जाओ टॉर्च। चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी ना करे, और यहाँ पर भी कुछ ट्रैक्टर खड़े हैं, पहले इधर ले लो, इधर भी चलेंगे। अंधेरा यहाँ काफ़ी है, बात करेंगे एक्शन साहब से कि यहाँ भाई थोड़ी रोशनी की भी व्यवस्था करी जाए। और ये शायद हम वार्ड कार्यालय में आ गए हैं, मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं। ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली, ये टैंकर, ये ट्रैक्टर, अब ये पता नहीं सरकारी हैं या प्राइवेट लोगों ने यहाँ खड़े कर रखे हैं। जिन भाई के लिए हैं उनके वहाँ खड़े। नमस्ते भैया, आप तो भी मिले, आपका क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम राहुल है। आप क्या हैं राहुल जी? हाँ जी, मैं जैविक खटाना जी ने रख रखा हूँ, लाइट का काम करता हूँ मैं गुप्ता पावर की तरफ से, लाइट का काम जी। और ये क्या है कमरा? ये कमरा जी जैविक खटाना जी का ही है, उन्होंने दे रखा हमें रहने के लिए। नहीं, जैविक खटाना जी का तो कोई कमरा ही नहीं, नहीं देखो नगर निगम का। हाँ जो भी है, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, हमें तो उन्होंने दे रखा। बोला कितने दिन से आप रह रहे हैं? हमें यहाँ तो काफी टाइम हो गया, एक साल दो साल। ना एक साल दो साल नहीं हो, अभी पाँच छः महीने हो गए। अच्छा, यहाँ का कोई बिजली का बिल भी देते हैं आप? बिजली का बिल तो नहीं दिया हमने अभी। आपने सोचा नहीं कभी आप बिजली यूज कर रहे हैं उसका पैसा कौन देगा? जय कौन है आपके? इस टाइम कुंडू जी हैं। जय जी ने क्या कहा, आप बिना बिजली के रहेंगे यहाँ? बिजली बिल मतलब जो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इसका पैसा कौन देगा? इसका पैसा भर देंगे जी। अभी तक क्यों नहीं भरा दोस्त? भर देंगे, आगे कोई ऐसा तो नहीं था, भर देंगे। और ये आपको यहाँ रहने के लिए दिया है कमरा जी? कितने आदमी रह रहे हैं आप यहाँ इस कमरे में? आठ घर वाले, दो जने हमें। बिजली का क्या काम देख रहे हैं आप? ये नगर निगम का काम देख रहे हैं क्या जी? नहीं, नगर निगम का नहीं है। और वैसे ही है तो कहाँ का है ये? कौन सी कंपनी का? गुप्ता पावर का। नहीं, गुप्ता पावर कहाँ काम कर रही है? यहाँ पूरे फरीदाबाद। किस चीज का काम कर रही है? ये तार उतर रहे हैं, केबल गिर रही है। तार उतर रही है, केबल गिर रही है जी। बिजली डिपार्टमेंट का जी, काम जी, जी, जी। और आप नगर निगम की जमीन में रह रहे हैं? और आप कितने आदमी रह रहे हैं दोस्त? दस जन रह रहे हैं। कहाँ बाकी के लोग? बाकी के लोग यही बोल रहे हैं, हमें ये है। एक भाई आप हो गए, दो आप हो गए, तीन चार पाँच और लोग, और तीन लोग ये हैं, आठ लोग, दो 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 अंदर। दो अंदर ये दस आदमी यहाँ सो रहे हैं। नगर निगम की बिल्डिंग है और मोबाइल भी चार्ज हो रहा है दस के दसों का। इससे तो अच्छा कोई सरकार स्कीम निकाल दे या रैन बसेरा बना दे। बहुत से गरीब ठंड में छुटुर जाते हैं, उनको रहने की जगह मिले। बाप बिजली की जगह नहीं है और यहाँ पर भी तो है जो नहीं नहीं हमें ही थे यहाँ। ये एक कमरा, ये दो कमरा, ये लैट्रिन बाथरूम, यहाँ की आप लाइट यूज कर रहे हैं, ये आपने अपना सारा सामान रखा हुआ है यहाँ। और यहाँ तो किराया वगैरह दे रहे हैं आप नगर निगम को इस कमरे में रखने का? क्यों आप किस इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको नहीं पता उसका किराया इतना होता है कि आप जो भी था वो सुबह जय साहब से बात करूंगा कि ये मकान किस उद्देश्य से बनाया था, इसका क्या मकसद था। कम से कम इसका मकसद ये तो नहीं हो सकता कि एक प्राइवेट ठेकेदार जिसका ये सारा सामान पड़ा है। मैं ताला इसलिए नहीं लगा के जा रहा हूँ, गरीब मजदूर आदमी है, रात को ठंड में ठिठुर हो गया। सारा फेसबुक पे लाइव चल रहा है आपकी, हमारी जो बात हो रही है पूरी दुनिया देख रही है।
आपकी जो भी गुप्ता पावर है उससे बोलिए कि वो अपना रहने का इंतजाम करे। ये सरकारी जमीन है या नगर निगम से परमिशन लेके रहिए। ठीक है, रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए, वर्बली परमिशन नहीं होनी। ठीक ठीक ठीक। कल शाम तक आप कब तक खाली कर देंगे इसको? जी मैं जी खाली तो एकदम तो नहीं होगा सर। क्यों, आप कब्जा करेंगे क्या आप यहाँ? मैं क्या लगूंगी आज कल आज कल शाम तक, या तो मैं आपको। राहुल जी, राहुल जी मैं बहुत मानवता से पेश आ रहा हूँ हाथ जोड़ के जी। खाली तो मैं अभी भी करवा सकता हूँ, मैं सिर्फ इन 10 मजदूरों की तरफ देख रहा हूँ कि ठंड में ये कहाँ जाएंगे। ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकारी पैसे की प्रॉपर्टी है, ये हम सबका पैसा है, वो पैसा मैं मिसयूज नहीं होने दूंगा। आप 10 आदमी इसके अंदर रह रहे हैं, आप खर्चा समझ रहे हैं, आप सरकार का कितना पैसा ले रहे हैं, आप बिजली भी यूज कर रहे हैं, पानी भी यूज कर रहे हैं, इतनी बड़ी जगह। पहले तो सुबह ये मेरे को पता करना है ये बनाया किस उद्देश्य से था। क्या ये इसी उद्देश्य से बनाया था कि प्राइवेट आदमी आए और फ्री में रहे? इससे बढ़िया तो ठंड में हम रैन बसेरे में रख लें। और बड़ी हैरानी की बात है कि इस वार्ड में जई एचयू और भी नगर निगम का जो स्टाफ होगा उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि सरकारी साधन का कितना मिसयूज हो रहा है। ये कम से कम सरकारी बिल के अंदर बिल्डिंग 50 लाख की बनी हुई है, और क्या ये 50 लाख की बिल्डिंग इसीलिए बनी है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, ये यहाँ चूल्हा जला रखा है ओपन में, पोल्यूशन हो रहा है, किसी का कोई ख्याल नहीं है। और अभी तक इस पार्क में आते हुए हमें बहुत देर हो गई, जिस भी आदमी की ड्यूटी है यहाँ मोटर पे वो व्यक्ति हमें नहीं मिला। ये हॉल है, पता नहीं क्यों उन्होंने खाली छोड़ दिया, नहीं तो इस हॉल पे भी कब्जा होना चाहिए था उन लोगों का। यहाँ पर भी कोई रह रहा है क्या? ये झोपड़ी सी बना रखी है बाहर की तरफ है, बाहर जैसे बाहर की तरफ है। हाँ जी, हाँ बस अंदर वो है जी, देखना है धोखा भी है। कहाँ? उधर उधर अंदर भी देखते हैं दोस्तों। कमाल है वैसे हमारी एमएलडी सियासी में, खेत बाढ़ को खा गई 5 साल। जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं, मैं समझता हूँ मेरे को 1 महीना हुआ है, मेरी तरह थोड़ी सी भी मेहनत करते तो सरकारी साधनों का इतना दुरुपयोग ना होता। मुझे नहीं पक्का पता ये बिल्डिंग किस लिए बनाई है, पर मैं इतना जरूर विश्वास से कह सकता हूँ सरकार के यहाँ ऐसा कोई खाता नहीं होता कि सरकार बिल्डिंग बना के किसी प्राइवेट आदमी को दे दे और वो प्राइवेट आदमी सरकारी बिजली पानी पे एज ए स्टोरेज यूज करे या कुछ करे। हम वापस चलेंगे उस कमरे से जहाँ से हमने चालू किया था। ये जगह क्या से क्या हो सकती थी, और बात करके अगर जो कोई यूज नहीं है इनका खाली करवा दे। खाली करवाने का बोल दिया है, कलोनी में शादी का सीजन चल रहा है, इससे तो बढ़िया यहाँ अच्छा खासा बारात घर खुल जाता शायद, बारात घर ही है यार। और गरीबों की बहन बेटियों की शादियां सस्ते में हो जाती, क्योंकि आज हर किसी के बस की नहीं है फार्म हाउस लेना, बारात घर लेना, लाखों का खर्चा होता है उसके अंदर। ये शायद बारात घर ही बना था। और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथी भाई जो आज देख रहे हैं, उन सबसे मैं एक विनती करना चाहूँगा कि आपके आसपास कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो, किसी भी महकमे का हो रहा हो, खास तौर से NIT 86 का, वो आप अपने भाई अपने बेटे को जरूर बताएं। नंबर सबको मैं दे चुका हूं, दोबारा फिर दे देता हूं फेसबुक के माध्यम से, 97 17 31 21 21 97 17 31 21 21। आप कोई समस्या है या कोई सरकारी समाधान साधनों का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, वो देखो बहन जी भी घूम रही हैं डर के मारे बाहर निकल आई हैं, परिवार है इनका इसलिए हम उस घर के अंदर तक नहीं गए। बहन बेटी का मान सम्मान सबका करना चाहिए। ये इतने इतने आदमी रह रहे हैं, इनको ख्याल नहीं है ये बिजली का ट्रांसफार्मर है, घू घू की आवाज़ कर रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। इतने पेड़ पौधे उग गए हैं कि इसको छांट दें, काट दें या कुछ और कर दें। ये तो मेरी इनोवा है, खैर एक गाड़ी यहाँ और खड़ी है, दो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, इनके नंबर भी मार्क करिए, फरीदाबाद की नहीं है।
नंबर बताया मैंने 97 17 31 21 21। कोई भी समस्या हो मेरी NIT 86 की, आप 4 लाइन लिखिए, अपना नाम नंबर लिखिए और उसको व्हाट्सएप कर दें, जिससे मैं उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकूं। मैं वापस इस कमरे में आ गया हूं, प्लास्टिक की पन्नी तो यहीं पड़ी है, अच्छा मस्ताना वाला पौवा भी वहीं पड़ा हुआ है, फोन चार्जिंग पे था वो सुबोध जी ले गए, और आप देख सकते हैं कितना सामान पड़ा है। बाजार में लेने जाएंगे एक एक चीज कीमती है, इन सबको मैंने उठाया है, कोई सोए हुए नहीं थे। ये इलेक्ट्रिक पैनल है, प्रचार सामग्री भी पड़ी है, बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री का सामान है, पता नहीं नगर निगम का है, ये भी किसी एक ठेकेदार को इन चीन जमीन किराए पर दे दी है अपनी बिना मर्जी की, और ये जान है पानी की, संजय कॉलोनी की, हम लोगों की, इसके संग मुझे दरबार और बर्ताव की मुझे सपने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ताले हैं हर जगह, ये चाबियां टंगी पड़ी हैं, कहाँ की हैं कहाँ की नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ। गेट खुला पड़ा है, ड्यूटी पे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं मिला, कोई संतोषजनक दबाव नहीं मिला। अब वो कहते हैं हमें किसने रोका किसने नहीं रोका, लेटर इनके पास किसी के पास है नहीं कि ये किसकी परमिशन से यहाँ रुके हैं। गरीब मजदूर होने के नाते रात ठंड बहुत है, मैं भी नहीं चाहूँगा कोई इस तरीके से बेघर हो, पर मेरी फेसबुक के माध्यम से मैं नगर निगम से उनके अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि सरकारी ज़मीनों पर ऐसे कब्जे ना होने दें, बिजली पानी ऐसे यूज ना होने दें। ये लोग जो भी काम कर रहे हैं, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, अपना रहने की ये खुद व्यवस्था करें, और सरकार को करनी है तो फिर इन 10-12 लोगों के लिए क्यों, इसको एक रेन बसेरा ही बना देते हैं, अच्छा सा गरीब बस्ती है, और भी लोग यहाँ आके रह जाएंगे। ये सब आज की चीज़ थी। आप सब भाइयों को बहुत बहुत, बहनों को, माताओं को, जो भी मुझे देख रहे हैं, आपका बेटा आपका विधायक दिन रात आपकी सेवा में रहेगा। मैं नंबर फिर आखिर में एक बार बता रहा हूँ अपना, 97 17 31 21 21। जहाँ भी कुछ ऐसा गलत है, सरकारी साधन का दुरुपयोग है, आपको तकलीफ है, फ़ोन आप ना करिए भले ही, आप व्हाट्सएप पे नहीं है, आपके घर में कोई व्हाट्सएप पे होगा, मोहल्ले में कोई व्हाट्सएप पे होगा, उस समस्या की फ़ोटो खींचिए, उसके साथ में 4 लाइन लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर, साथ में हो सके तो गली में और किसी एक का भी लिखिए कि कारण, जब आपकी शिकायत मैं सरकारी महकमे को दूंगा तो वो लोग किससे कॉन्टैक्ट करें उनको पता लग सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, वंदे मातरम।